अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताइए, अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप होकर कलमा पढ़ लिया था ना? जी हाँ, और आपने अल्लाह का शुक्र अदा भी किया होगा। अच्छा, फिर क्या किया था आपने? टीथ ब्रश किए थे? वेरी गुड भाई, टीथ ब्रश करना भी बहुत ज़रूरी है, अपने दांतों की सफाई का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उनमें कीड़ा ना लगे और हमारे टीथ हमेशा हेल्दी रहें, ठीक है। और क्या कर किया था भाई आपने? ब्रेकफास्ट किया था? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। अच्छा ये बताइए, कल हमने रिवीजन किया था किसका भाई? 2 का, याद है ना आप लोगों को? भाई हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, बहुत आगे तक हम चले गए हैं और हमने बिल्कुल भी रिव्यू नहीं किया था, है ना? तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो हम अब रिव्यू करेंगे, ठीक है। आज हम क्या रिव्यू में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? कल हमने 2 पढ़ा था, 2 की राइम पढ़ी थी, इज़न्ट इट? और आज हम क्या करेंगे? आज हम 2 की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम पहले कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब आप बुक का पेज देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा ये बताइए कि भाई हम हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स इन माई हैंड, कितने ऑब्जेक्ट्स? ये क्या है भाई? ये पेंसिल है। और ये कितनी पेंसिल है? चलें सारे बच्चे मेरे साथ काउंट करेंगे, ओके? 1 2 1 2 1 2, वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब हमने क्या करना है? हमने, अच्छा आपको 2 की राइम भी याद है? याद है ना आपको, जब हमने पहले, जब 2 पे हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तब हमने राइम पढ़ी थी, है ना जी? तब आपको 2 की राइम बहुत अच्छे से याद हो गई होगी भाई, पहले भी हमने इतनी दफ़ा प्रैक्टिस की थी, कल भी हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, है ना जी? हाँ, आपको बहुत अच्छे से याद हो गई है, मुझे पता है। तो प्यारे बच्चों, अब ऐसा करते हैं, हम बुक के पेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, बुक के पेज में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? डेट डालते हैं। मगर यहाँ पे तो आप डेट डाल चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर डेट डाल ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम आइकन्स देखते हैं, ठीक है। आइकन्स भी सारे आप लोगों को पता हैं, है ना? हमने पहले बहुत अच्छे से आइकन्स को कर लिया था और आज चले हम उसका भी रिवीजन करते हैं। अच्छा ये देखें, ये कौन सा आइकन है भाई? एक पेंसिल है जो एरो को एरो से मिला रही है, यानी कि ट्रेस कर रही है। क्या कर रही है? ट्रेस, वेरी गुड। अच्छा जी, ये क्या है भाई? फुटबॉल्स हैं। 1 2, यानी कि काउंट करना है हमें। क्या करना है? काउंट। अच्छा जी, और ये क्या है भाई? एक ऑब्जेक्ट, नंबर ऑब्जेक्ट है, और पेंसिल उन दोनों को आपस में मैच कर रही है, तो हमें भी क्या करना है? मैच। और लास्ट में ये कैट आ जाती है। ये कैट हमें क्या कहती हैं? जल्दी से कलर्स उठाइए और अच्छी सी ब्यूटीफुल सी कलरिंग कर लीजिए। जी, मगर कलरिंग भी आप कर चुके हैं, मैचिंग भी आप कर चुके हैं, इज़न्ट इट? चलें हम ऐसा करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं। मगर ट्रेसिंग भी आप लोग कर चुके हैं, इज़न्ट इट? चलें कोई बात नहीं, आज हम ऐसा करते हैं, दोबारा से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ एयर में प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कॉपी वर्क बुक में तो आपने काम कर लिया है, ठीक है। चलें मेरे साथ एयर में प्रैक्टिस कीजिए। Turn to right, left you swing, right you walk, jump and sing. Turn to right, left you swing, right you walk, jump and sing. Very good, याद हो गई? अरे बाबा, अब तो जिन बच्चों ने नहीं याद की थी उनको भी याद हो गई होगी भाई, हमने इतनी दफ़ा रिव्यू में पढ़ लिया है, पहले भी हमने पढ़ा था और आज हमने अच्छा सा रिवीजन भी कर लिया है, तो अब आप लोग को ये राइम याद हो गई होगी, इज़न्ट इट जी। चलें अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर हमें ब्रिंजल्स नज़र आ रहे हैं, एग प्लांट्स जी। तो ये कितने एग प्लांट्स हैं? ज़रा सारे बच्चे काउंट कीजिए मिलकर अपनी बुक में। 1 2
वन टू, टू है ना जी। तो हमने क्या किया था पहले, जो ऑब्जेक्ट टू थे तो हमने क्या किया था, हमने उन्हें नंबर के साथ मैच किया था, याद है ना जी। तो आज भी हम क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने उस वक्त काम नहीं किया था तो ऐसा करें प्यारे बच्चों, आप आज कर लीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा करें, एग प्लांट को टू के साथ मैच कर लीजिए, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास भाई, गिफ्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, है ना जी। तो गिफ्ट बॉक्स कितने हैं ज़रा काउंट कीजिए, वन टू, टू हैं। अगर टू ऑब्जेक्ट्स है तो हम क्या करेंगे भाई, ऑब्वियसली हम पहले कर चुके हैं भाई, हमने मैच कर दिया था टू गिफ्ट बॉक्सेस को, टू नंबर के साथ मैच किया था, है ना जी जनाब। अच्छा जी, अब थर्ड ऑब्जेक्ट हमें क्या नज़र आ रहा है, लैम्प नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये काउंट कीजिए, हाउ मैनी लैम्प्स आर देयर, वन टू थ्री। अरे ये तो थ्री लैम्प है, तो हमने क्या किया था पहले, इन्हें मैच नहीं किया था, नहीं किया था ना भाई, क्योंकि टू नहीं है, हमें तो टू ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। जो टू ऑब्जेक्ट्स होंगे हम सिर्फ उन्हीं को मैच किया था, है ना जी हाँ। अच्छा, ये क्या है भाई, ये तो मुझे जिप नज़र आ रही है, और ये कितनी जिप हैं, वन टू, टू जिप आर देयर इज़न्ट इट। तो चलें जिप को टू से मैच कर दीजिए। अरे भाई, ये सारा काम तो आप पहले कर चुके हैं, है ना, और कलरिंग भी आप कर चुके हैं, जो ऑब्जेक्ट हमने मैच किए थे उन ऑब्जेक्ट्स में आपने कलरिंग कर ली थी ना, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे से बच्चे हैं। अब आप लोगों को टू बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, है ना जी। तो प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स में जल्दी से कलरिंग कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, और कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करके आप अपने टीचर के साथ टू की राइम पढ़िएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।